गणपति बप्पा मोरया, आप सभी का बहुत स्वागत है और आप सभी को गणेश उत्सव की ढेरों शुभकामनाएं। बप्पा आने वाले हैं, ऐसे में आखिरकार गणेश जी को कैसे मनाएं, क्योंकि कहा जाता है कि भगवान गणेश जी की आराधना बहुत ही सरल है और किसी भी काम को करने से पहले भगवान गणेश जी की आराधना यानी कि विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। तो गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर बात करेंगे, गणेश उत्सव को लेकर जानेंगे कि आखिरकार कैसे आपको पूजा करनी है, कैसे आपको मनाना है, कौन सा वो मंत्र है जिस मंत्र का जप करने से भगवान गणेश जी की कृपा आप पर बरसना शुरू हो जाएगी और कैसे होनी चाहिए पूजा। तो चलिए इसी को लेकर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी। पंडित जी आपका बहुत स्वागत है आज। धन्यवाद, जय श्री राधे श्याम। गणेश चतुर्थी का ये महापर्व है, ऐसे में आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि गणेश चतुर्थी पर कई शुभ योग बन रहे हैं और सबसे पहले इस बारे में बताएं कि कौन कौन से वो शुभ योग हैं जो गणेश चतुर्थी पर बन रहे हैं और उनका कितना असर हमारे जीवन पर पड़ने वाला है। जी जय हो, बहुत अच्छी बात है। देखिए, गणेश चतुर्थी अपने आप में ही सबसे सुंदर योग है और ये योग प्रायः हर महीने आता है और भाद्रपद शुक्ल पक्ष में जो गणेश जी का ये उत्सव है, गणेश चतुर्थी है, और गणेश चतुर्थी भगवान गणेश जी को ही समर्पित है और हर महीने में। तो इसमें गणेश जी भगवान का बड़ा लोग पूजन करते हैं, समर्पण करते हैं। विश्व में सारी जगह, पूरे भारत में, सारे विश्व में भगवान गणेश जी की धूम मची हुई है और भगवान गणेश जी को जाकर के सबसे पहले लोग निमंत्रण देते हैं और उसके बाद गणेश जी को बड़े सादर आदर से लेके आते हैं और अपने घर में विराजमान करते हैं और ब्राह्मणों को बुला करके उनको आसन प्रदान करते हैं, विधिवत उनका स्नान कराते हैं, पूजा करते हैं, अपने मन की जो भी कामनाएं हैं वो भगवान गणेश जी को उनके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तो गणेश जी भगवान सुन करके और हम सभी को, हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। ऐसे भगवान अष्ट सिद्धि नव निधि से ओतप्रोत भगवान श्री गणपति भगवान हैं। जी जी, अगर देखिए आचार्य जी, कहा जाता है कि शुभ मुहूर्त में गणपति की स्थापना की जाए तो उसका फल जो है कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। तो आचार्य जी, अगर कोई घर में गणपति की मूर्ति की स्थापना कर रहा है तो उन्हें कब गणपति को घर लाना चाहिए और गणपति को घर लाने का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? देखिए, पहले तो गणेश जी को जाकर के उस प्रतिमा को जिसको आप लाना चाहते हो उनको निमंत्रण करके आना चाहिए और निमंत्रण के बाद फिर अगले दिन जाकर के उनको सादर उनको वंदना करके, और ये नहीं कि हम कोई मूर्ति लेके जा रहे हैं, कोई स्टेचू लेके जा रहे हैं, ये सब बातें ठीक नहीं है। तो हम ये समझ करके कि साक्षात भगवान गणेश जी को ही हम निमंत्रण दे करके और अपने घर बुला कर ले जा रहे हैं, जिनके साथ में अष्ट सिद्धि नव निधि और ये सब पूरा उनका परिकर है। तो रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ लक्ष्मी कीर्ति और ये कुबेर भंडारी, ये सब उनके साथ में रहते हैं और उसके बाद घर जा करके उनको बढ़िया दिव्य सुंदर बाजोट, एक बड़ी सुंदर चौकी पर उनको लाल कपड़ा या पीला कपड़ा बिछा करके उनको विराजमान करें और विराजमान करके और उनको जो है दिव्य जो है पुष्प का आसन भी प्रदान करें, क्योंकि पुष्प बड़े कोमल होते हैं और गणेश जी पुष्पों से भी ज़्यादा कोमल है, ये ध्यान रखना चाहिए। तो पुष्पों का आसन देकर उनसे कहते हैं, प्रभु आप विराजिए और जितना सुख आपको यहाँ विराजने से मिलेगा उतना ही सुख हम सभी भक्तों को भी प्राप्त होगा और हम सभी भक्त आपके हैं और आप हमारे हैं, हम आपके लिए समर्पित भाव से आपकी पूजा करना चाहते हैं, आप हमारे घर में 5 दिन 7 दिन 9 दिन 10 दिन तक विराजमान रहे, हम आपके लिए अर्चना करते हैं, वंदना करते हैं। पंडित जी देखिए, इस बार का जो योग बन रहा है, शनिवार का दिन है, ऐसे में जो शुभ मुहूर्त सामने आता है, कहीं ना कहीं जो लोग होते हैं जो अपने घर पर मूर्ति स्थापित करनी होती है उस समय मूर्ति के लिए जाते हैं, तो ऐसे में क्या उसी समय पूजा करनी चाहिए? घर लाने का मूर्ति जो हम स्थापित करते हैं उसका समय क्या होना चाहिए? कितने समय बाद मूर्ति की पूजा करनी चाहिए? इसको लेकर इस बार जो गणेश चतुर्थी का दिन है, शनिवार का दिन, क्या शुभ मुहूर्त है? देखिए, प्रातःकाल उठ करके अपने सभी नित्य नैमित्तिक जो कार्य करते हैं उनसे निवृत्त होके प्रवृत्त होके और भगवान श्री गणेश जी में अपनी प्रवृत्ति को संलग्न करके, माने गणेश जी में पूर्ण मन को समर्पित करके,
और श्री भगवान जी को अपने वही अपना विराजमान करें और विधिवत अच्छे किसी ब्राह्मण के द्वारा गणेश जी का पूजन कराएं, क्योंकि आवाहन के मंत्र गणेश जी के सभी नहीं जानते हैं। तो मंत्रों के सहित अगर भगवान का समंत्रक अगर पूजन होता है तो ये विधि भगवान को बहुत प्रिय है और हम लोग भाव से भी कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं। तो गणेश जी को विराजमान करके पहले उनको बढ़िया सुंदर आसन प्रदान करें, फिर उनको जल से स्नान कराएं, और जल से स्नान कराने के बाद पहले उनको उसके बाद पंचामृत आदि सबसे स्नान कराएं। सबसे बड़ी बात यह प्रातःकाल 6 बजे 8 बजे तक खूब उनको आदर सहित उनको विराजमान करें, और इसके बाद आप 9 से लेकर 10:30 बजे तक गणेश जी को, इस बार क्योंकि शनिवार में गणेश चतुर्थी पड़ रही है तो इतने समय को अवॉइड करें। 9 से 10:30 बजे तक राहु काल है उसमें न करें, कोई भी शुभ कार्य उसमें नहीं करना चाहिए। पर फिर भी हम लोग के लिए, क्योंकि अब हम लोग तो अपने बारे में सोचते हैं, गणेश जी तो स्वयं भगवान, उनके लिए थोड़ी राहु काल है, राहु काल तो हम लोग के लिए कि अच्छे समय में अच्छे घड़ी में अच्छी बेला में भगवान का पधारपण हो तो हमारे घर में शुभ हो, मंगल हो, आनंद हो। तो इस बीच में न करके और विशेष मुहूर्त जो है 11:30-12 से और 12:30 बजे तक आप गणेश जी के लिए स्थापित करें। उस समय साक्षात श्री हरि भगवान हमारे सामने उपस्थित रहते हैं और वो जब रहते हैं तो सारे काम मंगल होते हैं। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, क्योंकि साक्षात मंगल मूर्ति भगवान गणेश जी हैं, उनका पदार्पण इस समय में होता है, इस मुहूर्त में होता है, तो बहुत ही उत्तम पुण्य फल प्रदान करने वाला है। दूसरी बात, अगर समय निकल जाता है, बहुत से बहन भाइयों का निकल जाता है मैंने देखा, तो शाम को प्रदोष मेला में भी भगवान गणपति महाराज का और आवाहन पूजन उनको आसन प्रदान करके और दिव्य दीप दान करें और दिव्य कीर्तन मजीरा आदि बजा कर हारमोनियम तबला से और भगवान जी के गीत गाएं, मंगल गीत गाएं मंगल मूर्ति को, और मोदक प्रिय मोद मंगल दाता तो मोदकों का भोग लगाएं, तरह तरह के फलों का भोग लगाएं, नारियल चढ़ाएं। ऐसे करने से भगवान गणेश जी बहुत प्रसन्न होते हैं, आपके घर में रिद्धि सिद्धि और सुख शांति प्रदान करते हैं। आचार्य जी, एक और सवाल कि जब हम मूर्ति के लिए जाते हैं स्थापना के लिए, तो उस समय कितने लोगों को जाना चाहिए, और जब भगवान गणेश जी हमारे घर पर आते हैं, हमारे दरवाजे के अंदर आते हैं, उस समय घर का किस तरह से वातावरण होना चाहिए, कौन सा वो मंत्र है जिसका उच्चारण होना चाहिए, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में बड़ी मान्यता होती है मंत्रों का और उसका असर भी पड़ता है। बिल्कुल, देखिए आपने कहा कितने लोग जाएं, तो अगर कोई हमारे अतिथि आता है जिसे हम बहुत प्रेम करते हैं, जिसे हम बहुत कुछ समझते हैं, तो भैया जिसको आप कुछ समझते हो तो आप कम से कम 10-20 लोगों को लेके जाते हो कि भैया चलो चलो वो आ रहे हैं, अमुक अमुक श्रीमान हैं, अमुक अमुक वो बहुत बड़े आदमी, तो इस तरह से बड़े भाव से 10-20 लोग जाते हैं। तो आप भी बड़े भाव से पवित्र मन बना करके और बढ़िया दिव्य हाथ में दूर्वा घास लेकर, क्योंकि दूर्वा गणेश जी को बहुत प्रिय है, तो दूर्वा दल प्रियाय महागणपतये नमः आदि आदि मंत्र, तो गणेश जी को पहले दूर्वा से उत्तम जो है गंगा जल मिश्रित जल अभिसिंचन करें। तो जैसे कभी कोई मंगल यात्रा निकलती है ना, तो हम आम के पत्तों से या दूर्वा घास से उनके आगे जल बल छिड़क के चलते हैं, तो ऐसा करने से गणेश जी बहुत प्रसन्न होंगे और आपके लिए आपका स्वागत भी स्वीकार करेंगे और आपके मनोरथों को पूर्ण करेंगे। तो ऐसे जाना चाहिए, तो ये भाव है, ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी। जी आचार्य जी, आपने गणेश जी के आगमन के लिए तो बता दिया कि कैसे प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन गणेश जी तो आ रहे हैं, उनका पूरा परिवार भी साथ में आए, शंकर जी की बात करें, पार्वती जी की बात करें, रिद्धि सिद्धि की बात करें, तो ऐसा क्या करना चाहिए कि वो पूरे परिवार के साथ आए और सभी की कृपा अपने भक्तों पर बरसाए। बिल्कुल, देखो सभी का सादर आदर, को गणेश जी का अगर आप आदर करते हो तो, क्योंकि गणेश जी के ये परिकर है ना, तो परिकर क्योंकि साथ में ही चलता है, तो अगर गणेश जी का आपने मान सम्मान किया तो अब वो सारे परिकर का अपने आप मान सम्मान हो गया, वो सब बड़े प्रसन्न हो गए। देखो साहब हमारे जो मुख्य हैं उनका सम्मान हो गया, हमारे जो मुख्य हमारे भगवान हैं उनका सम्मान हुआ, तो सबका सम्मान हो जाता है। और उन सब का भी प्रणाम करते हुए बड़े भाव से और हमारा डमरू बजाते हुए, शंख घड़ियाल बजाते हुए, हमारा इस तरह की घंटी आदि बजाते हुए और भगवान को लेके आए, जैसे हम किसी का सम्मान करते तो बैंड बाजा लेके जाते हैं, होता है कि नहीं। तो इस तरह से अगर आप करते हो बहुत अच्छी बात, आपके चैनल के द्वारा मैं ये कह रहा हूँ और आपने पूछी, बहुत धन्यवाद। तो इस तरह सम्मान जो एक प्रकार से होता, उस तरह से सम्मान करके विधि विधान से अगर आप लाते हैं तो समझ लो कि भगवान गणेश जी आपको निश्चित कृपा प्रदान करने वाले।
बिल्कुल आपने सही कहा कि देखिए पूरे विधि विधान के साथ अगर हम आराधना करते हैं तो निश्चित तौर पर हमें उसका फल भी मिलता है। लेकिन महाराज जी, कोई भी पूजा बिना सामग्री की अधूरी होती है। एक लिस्ट बनाना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिरकार क्या भगवान गणेश जी को पसंद है, क्या नहीं है, किस तरह से क्या क्या सामग्री होनी चाहिए। तो इसको लेकर भी आप दर्शकों को बताइए कि लिस्ट कैसे इसको लेकर तैयार करनी है। देखिए, लिस्ट तो साहब बिल्कुल हमारे आचार्य जी जो लोग होते हैं पूजा कराने वाले वो यजमान को दे ही देते हैं। तो उसमें साहब यही मुख्य है कि साहब नारियल लें, रोली है, कुमकुम और सिंदूर है, अबीर है, गुलाल है, मेहंदी है, ये सब श्रृंगार की वस्तुएं, ये सब भगवान को चढ़ानी चाहिए। इत्र है, गंध अक्षत है, चावल है, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य भगवान के लिए, मोदक प्रिय है, मोदक बहुत अच्छे लगते हैं तो गणेश जी को मोदक खरीदें। तरह तरह के फल, शरीफा का फल है, आम का फल है, हमारा अमरूद फल भगवान को बड़ा प्रिय है, जामुन के फल बड़े प्रिय हैं। ये सब फल लेकर के और भगवान को अर्पित करें भगवान गणेश जी। और नारंगी बहुत खाते हैं, नारंगी बड़ा अच्छा फल है, जो हम उसको संतरा भी बोलते हैं। तो आदि आदि सभी फलों को भगवान प्रेम से पाते हैं। और कपित्थ जम्बू फलचार भक्षणम, कपित्थ माने कैथ का फल जो बहुत खट्टा मीठा और बड़ा कड़क होता है, आपने देखा होगा। तो हाथी या फिर गणेश जी बहुत ही प्रेम से खाते। और एक आश्चर्य की बात आपके चैनल पर कह दूं जी कि कपित्थ माने कैथ का फल गणेश जी जब खाते हैं, हाथी जब खाता है तो साबुत खाता है, बिल्कुल साबुत। और अगले दिन जब उनके गोबर से जब वो निकलता है वो फल, तो साबुत ही निकलता है, एक सुई की नोक भी नहीं। इस बात को बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने उसका परीक्षण किया पर विफल हुए, कोई सुई की नोक नहीं होती, बिल्कुल साबुत खाया गणेश जी ने और साबुत ही निकला है, पर उसके अंदर का गूदा गायब हो जाता है। इससे बढ़कर क्या आपको मैं बड़ी बात बता दूं, और ये बहुत बड़ी बात है। तो नायाति यदि बा लक्ष्मी नारिकेल कपित्थवत, तो नारियल में पानी कैसे आ गया, ये परमात्मा कृपा है। इतना ऊपर से कठोर होता नारियल पर पानी भरने कौन जाता है, बताइए आप, किस विज्ञान ने, किस वैज्ञानिक ने भरा? ये सब मेरे गणेश जी भरते हैं, ये सब मेरे दुर्गा मैया भरती हैं, ये सब मेरे बांके बिहारी जी भरते हैं। और कपित्थ माने कैथ के फल को जब गणेश जी ने खाया और साबुत निकला, एक सुई की नोक भी जमीन उसमें छिद्र नहीं है, और कैथ का अंदर का जो गूदा है फल है वो गायब हो जाता है। ये तमाम वैज्ञानिकों ने परीक्षण करके देखा, कुछ नहीं मिला। तो ये सनातन धर्म है और ऐसी लाखों कथाएं हैं, पर बताने की बात है साहब आपके माध्यम से हमने कहा। तो कपित्थ जम्बू फलचार भक्षण, ये फल खाना चाहिए, भगवान को निवेदित करें और बहुत दिव्य आपके घर में अमृत बरसेगा। दूर्वा दल चढ़ाएं और बेलपत्र चढ़ाएं, कमल के पुष्पों से समर्चन करें। श्री गणेशाय नमः, मंगलमूर्तये नमः, विघ्न विनाशनाय नमः, शिवसुताय नमः, श्री वरदमूर्तये नमः, विनायकाय नमः, लंबोदराय नमः, ये आदि आदि मंत्र से फूल चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं, दूर्वा चढ़ाएं, ये मंत्र है गणेश जी। और बहुत ही अच्छी, बहुत ही रोचक जानकारी आपने दी है जी। बिल्कुल आचार्य जी, अगर पूजा की आसन विधि की बात करें तो दर्शकों को इसके बारे में भी बताइए, किस दिशा में बैठना चाहिए, कहां पर मूर्ति विराजित करनी चाहिए, इसके नियम क्या होने चाहिए। आसान विधि की अगर बात करें तो आसान विधि बताइए आप। घर के जो पूर्व और उत्तर दिशा का जो कोना है उस दिशा में गणेश जी को संस्थापित करें, स्थापित करें, और हमारा आसन उनकी तरफ जब होगा तो गणेश जी भगवान का मुख तो पश्चिम में हो जाएगा और हमारा मुख जो होगा वो गणेश जी की तरफ पूर्व में होगा। तो ऐसे संस्थापित करके और इस तरह से पूजा करने से हमको सिद्धि रिद्धि बहुत जल्दी, माने हमको जो पूजा कर रहे हैं उसमें बहुत जल्दी सिद्धि मिलने वाली है, ये परंपरा है। तो इस तरह से पूजा करें, पूर्व उत्तर की तरफ जो भी पूजा करते हैं तो वो आपको जल्दी सफलता प्रदान करती है। और ऐसे भगवान गणेश जी का हाथ जोड़कर सभी को विनय करना चाहिए, विघ्नेश्वराय वरदाय सुर प्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते गंगणपतये नमः। इन मंत्रों को, इन स्तुतियों को करके और प्रार्थना करें, गणेश जी आपको बहुत उत्तम फल प्रदान करेंगे जी। जी आचार्य जी, देखिए आपने बहुत ही अच्छा ये मंत्र बताया जो कि वाकई में दर्शक, जो हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं, जो देख रहे हैं, उनके बहुत ही काम आने वाला है। लेकिन देखिए कई परिवार ऐसे होते हैं जो बहुत ही बहुत ज़्यादा पूजा नहीं कर पाते हैं, कम समय होता है, चाहे कॉलेज स्टूडेंट्स की बात करें या फिर जो नौकरी वाले लोग हैं। अगर आसान विधि की बात करें, कम समय में कैसे खुश करें गणेश जी को,
देखिए भगवान गणेश जी को खुशी ही करना है तो सामने आकर के सीधे आसन लगा के बैठिए और मानसिक पूजा भी होती है तो मन से बैठकर आसन जमा कर बैठ जाएं, हाथ ऐसे आगे रख लें और ध्यान करें कि हम गणेश जी की पूजा कर रहे हैं। तो सबसे पहले भगवान को जल चढ़ाएं, मन से चढ़ाएं, जल चढ़ाएं, उसके बाद में भगवान को पंचामृत चढ़ाएं, उसके बाद भगवान को फिर जल चढ़ाएं, वस्त्र चढ़ाएं, इसके बाद भगवान को रोली चावल चंदन का टीका लगाएं, बड़ी बड़ी सुंदर सुगंधित सुवासित पुष्पों की माला भगवान को चढ़ा रहे हैं, भगवान के लिए दिव्य बेलपत्र पुष्प दूर्वादल फल चढ़ा रहे हैं, भोग लगा रहे हैं और दक्षिणा भी मानसिक चढ़ा दें, 10 लाख 10 करोड़ कितनी भी चढ़ाओ, मानसिक पूजा में तो कोई ये बात होनी नहीं चाहिए कि हमने क्या चढ़ाया। तो मानस पुण्य हो नहीं पापा, मानसिक जो आप पूजा करते हो तो इसका भी पुण्य पूरा मिलता है, पर मानसिक जो पाप हम लोग सोचते हैं वो नहीं लगते हैं। ये हमारे शास्त्रों में छूट हम सबको सनातन धर्मावलंबियों को प्रदान की हुई है। तो सनातन धर्म जैसा कोई धर्म नहीं, और यत्र धर्म सनातन, ये सनातन है, ये कई मतलब इतनी संख्या नहीं है संसार में कि इतनी संख्या बता दूं, इतनी संख्या पहले से करोड़ों अरबों खरबों वर्षों से है और उससे भी कई हजार गुना पहले से है और हमेशा है और हमेशा रहेगा। पर कुछ अराजक तत्व इस सनातन धर्म को मिटाना चाहते हैं तो वो कभी नहीं मिटता है, सनातन धर्म कभी नहीं मिटता, पर सनातन धर्म को मिटाने वालों को शास्त्र में लिखा है सवा आशु विनश्यति, उनका विनाश बहुत जल्दी हो जाता है। जी बिल्कुल, और ये बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी कि देखिए मानसिक रूप से भी अगर आप पूजा करते हैं तो वो भी गणेश जी स्वीकार कर लेते हैं बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। बिल्कुल आचार्य जी, लेकिन अगर हम अपने घर पर मूर्ति लाते हैं तो मूर्ति कैसी होनी चाहिए, किस चीज की बनी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग मिट्टी की लाते हैं, कोई गोबर की लाता है, कोई चांदी की लाता है, तो इसको लेकर क्या मान्यता है और उस मूर्ति की पूजा कैसे करनी है? देखिए सर्वोच्च, तो देखो ये दो बातें बोलूंगा मैं, सर्वोच्च अगर है तो स्वर्ण की मूर्ति लाएं और चांदी की लाएं, उससे नीचे पीतल की लाएं, उसके बाद फिर आप अगर चाहते तो मिट्टी की भी ला सकते हैं। और इसके साथ अगर गऊ शुद्ध भारतीय विशुद्ध वेद लक्षणा जो गऊ माता है, अगर उस गाय के गोबर की बनी हुई मूर्ति आप मूर्ति बनाते हैं उसमें कलावा लपेट के, तो कहना ही क्या है। आजकल कुछ हमारी ऐसी संस्थाएं हैं, भारतीय संस्थाएं जो देश को अच्छा उत्तम काम करने के लिए कुछ लोग बना रहे हैं गोबर की, तो उन मूर्तियों को भी आप ला सकते हैं, उनकी स्थापना करें, चाहे आप घर में विराजमान रखें चाहे विसर्जन करें, पर मेरे हिसाब से गणेश जी का विसर्जन नहीं होना चाहिए क्योंकि रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ लक्ष्मी का वास होता है और आप प्रायः आप लोग विसर्जन कर देते हो, तो ये आपकी अपनी एक छवि है, एक अपना आपका संकल्प, अपना आपका विश्वास है, इसमें किसी को रोकूंगा नहीं, पर जो एक हमारी एक मानना है हमारी ओर से तो उसका ये कि गणेश जी का कभी विसर्जन नहीं होना चाहिए। जी गणपति को बहुत ज़्यादा प्रिय है दूर्वा, तो इसके पीछे भी कोई पौराणिक कथा है, कोई मान्यता है, कोई कहानी है? ब्रह्मणा निर्म, ये जितने भी घास फूस औषधियाँ ये सबको हमारे भगवान ने बनाया, लेकिन ये दूर्वा और कुशा ये दो चीज़ों को ब्रह्मणा निर्मिता स्वयं ब्रह्मा जी ने इनको विशिष्ट रूप से प्रकृष्ट रूप से निर्मित किया है और इसलिए ये बहुत ही उत्तम औषधियाँ हैं। इनको घर में रखने से आपके घर में भूत बाधा नहीं आई, बहुत सारी चीज़ें होता है जो भगवान गणेश जी आप पर कृपा करते हैं। और दूर्वा और ये जो कुशा होती है, तो हमारे यहाँ जब भी कभी ग्रहण वगैरह पड़ते हैं तो ग्रहण में हमको हर भोजन पदार्थ में कुसा को थोड़ा थोड़ा एक एक पत्ता डाल देना चाहिए और द्वार पर भी लगा देना चाहिए, इससे हमारे घर में ग्रहण का दोष नहीं घुसेगा जो सूतक आदि है। और अगर दूर्वा नहीं मिलती है, अगर कुसा नहीं मिलता है तो दूर्वा घास भी लगा सकते हो, वो सेकेंड में आती है। और कई बार लोग तुलसी दल भी डाल देते हैं तो डाल दो, लेकिन मैन तो उसमें सबसे ज़्यादा कुसा है। और कुसा कहाँ से प्रकट हुई, कुसा का जो पर्व है वो गणेश जी के इस उत्सव से एक दिन पहले होता है और एक दिन पहले श्री बरा भगवान की हरतालिका तीज में अवतार हुआ है, तो बरा भगवान के रोम जो हैं, ये जो रोम होते हैं ना हमारे शरीर में, तो बरा भगवान के रोम से ये दूर वो कुसा निकली है, इसलिए कुसा परम पवित्र है। कुसा जहाँ होती है वो देश पवित्र होता है, वो राष्ट्र पवित्र होता है। हमारे भारत में जगह जगह कुसा मिलती है और कुशोत्पाटनी अमावस्या जो अभी 3 दिन पहले निकल के गई है, उसको उखाड़े हुए कुसा बहुत एक बरस तक काम आते हैं, ऐसा नियम है। तो कुसा भगवान के शरीर से निकली है विष्णु भगवान के, और दूर्वा जो है ब्रह्मा जी ने विशेष रूप से निर्माण किया है, तो दूर्वा बहुत प्रिय गणेश जी को, जो दूर्वा से समर्चन करते हैं वो वैष्णव, वो साक्षात श्री कुबेर भंडारी के समान हो जाता है और भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो दूर्वा जरूर चढ़ाना चाहिए गणेश जी पर, आपके जीवन के सभी संकटों को भगवान गणेश जी दूर करते हैं, क्योंकि भगवान का नाम ही है संकष्ट मोचन, सभी संकटों को समन करने वाली श्री गणेश जी महाराज।
बिल्कुल, और प्रसन्न करने की बात हम लगातार आचार्य जी कर रहे हैं, ऐसे में भोग की बात ना हो तो ये कैसे हो सकता है? आखिरकार गणेश जी को प्रिय क्या है, किस तरह का प्रसाद बनाना चाहिए, क्या होना चाहिए भोग में? देखिए, आजकल बाजार में बड़े अशुद्ध प्रसाद बनते हैं, तो मैं किसी की क्रिटिसाइज नहीं करता हूँ, लेकिन अगर आप अपने घर का बना हुआ प्रसाद भगवान को, चाहे आटे का हलवा बनाए, चाहे आप इसका सूजी का हलवा बनाए, चाहे बेसन का हलवा बनाए, और बेसन के लड्डू भगवान गणेश जी को बड़े प्रिय, उनका भोग लगाइए। मोदक आप गुड़ का, गुड़ से बनाएं और चीनी वगैरह ना डालें, गुड़ का बनाएं, तो गुड़ भगवान को बहुत प्रिय है गणेश जी। गणेश जी की पूजा में गुड़ जरूर चढ़ाना चाहिए, और जो लोग, याद रखिए, जो लोग गुड़ खाते हैं डेली, उनके जीवन की चमक, आभा, कांति कभी कम नहीं होती है, आयु को बढ़ाता है, और शरीर के सारे जो कहते नहीं ब्लॉकेज हो गए जी, वो सारे ब्लॉकेज को खोल देता है। गुड़ को बड़ा आप लोगों ने हल्के में लिया है, अरे मेरे भाई बहन, हल्के मत लीजिए। सबसे पहले गुड़ बना, और गुड़ को फिल्टर करके तकनीकी के द्वारा फिर ये चीनी बनी है। तो पहले गुड़ है, तो उससे भी पहले, गुड़ से भी पहले गन्ना है। तो हमारे गणेश जी को गन्ना बहुत प्रिय है, इक्षुदंड कहते हैं संस्कृत में, इक्षुदंड कहते हैं, और गन्ना जरूर भगवान गणेश जी को चढ़ाओ। आ क्या बात, पत्तों सहित चढ़ाना चाहिए, गणेश जी बड़े प्रसन्न होते हैं। आप लाके रख ही दो, और देखो गन्ना चढ़ाने से आपको दो चीज़ होगी, एक तो गणेश जी को प्रिय बहुत, दूसरी बात गन्ना चढ़ाने से लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, और तरह तरह के फल, नारियल फल आदि सब भगवान को चढ़ाइए, गणेश जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, आनंद कर देते हैं जी। आचार्य जी बिल्कुल, देखिए हम इन बातों का हमेशा ध्यान रखते हैं कि गणेश जी को क्या पसंद है, मोदक पसंद है, दूर्वा पसंद है, जैसे आपने अभी गुड़ के बारे में जानकारी दी, लेकिन कहीं ना कहीं ये करते करते नियम भूल जाते हैं। जब हम स्थापना करते हैं तो नियम कैसे होने चाहिए, घर पर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, एक तो बड़ी शांति का वातावरण हो, हम किसी विशिष्ट अतिथि को, विशिष्ट व्यक्ति को, और यहाँ तक अतिथि शब्द नहीं यहाँ कहना चाहिए, क्योंकि अतिथि तो एक छोटी मोटी बात हो गई जी, पर अतिथि भी भगवान के समान होता है, पर ये तो साक्षात भगवान है। करो तो शांतिम भगवान गणेश, भगवान शब्द आया, तो भगवान को लाने पर भी घर में अगर अशांति का वातावरण है, गणेश जी एक तरफ बैठे, आप पहले लड़ने लग गए, तो ऐसा मत करें। गणेश जी को बड़ी शांति के साथ उनकी स्थापना करें, और परम सौहार्द के साथ, परम शांति के साथ भगवान गणेश जी का सब लोग मिलकर, घर परिवार में जितने भी लोग हैं मिलकर के बैठकर, पंडित जी को बुलाकर विधिवत समंत्रक मंत्रों के साथ, और भगवान गणेश जी का आवाहन करें, स्तवन करें, और गणेश जी के स्तोत्र का, देखिए स्तोत्र थोड़ा बड़ा है, पर छोटा जो सूक्ष्म है गणेश जी का, जिसमें गणेश जी के 12 नाम है, वो मैं आपको शॉर्टकट बोल देता हूँ। तो आप इस स्तोत्र का मिलकर पाठ करें, तो आपके घर में विद्या, बुद्धि, यश, मान, प्रतिष्ठा, लक्ष्मी, धन, कुबेर, भंडारी, आयु, ये सब कुछ बढ़ाता है। तो मैं आपको भगवान गणेश जी का स्तोत्र बोलता हूँ। श्री नारद उवाच, प्रणम्य शिरसादेव गौरी पुत्रम विनायकम भक्तावासम स्मरे नित्यम आयुष्कामार्थ सिद्धये प्रथमम वक्रतुंडम च एकदंतम द्वितीयकम तृतीयम कृष्ण पिंगाक्षम गजवक्त्रम चतुर्दगम लंबोदरम पंचमम च षष्ठम विकटमेव च सप्तमम विघ्नराजेन्द्रम धूम्रवर्णम तथाष्टमम नवमम भालुचंद्रम च दशमम तु विनायकम एकादशम गणपतिम द्वादशम तु गजाननम। स्तोत्र तो थोड़ा आगे भी है, लेकिन उसमें फलश्रुति है, पर मैन जो है इसमें, जो शुरू के दो श्लोक छोड़, एक श्लोक छोड़ करके ये है, तो इसको जरूर पढ़ना चाहिए, और इसको कई बार पढ़ें, 11 बार, 21 बार, 108 बार, तो गणेश जी आपको सब कुछ प्रदान कर देंगे जो आपकी इच्छा है। ये जिम्मेदारी का आपके चैनल के माध्यम से बयान है। यमियम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, जो आपकी कामना होगी मेरे गणेश जी उसको आपको पूर्ण करेंगे। बिल्कुल आचार्य जी, ये तो हो गई मंत्रों की बात, ऐसा कोई और उपाय है जो इस बार संयोग बन रहे हो कि गणेश चतुर्थी के दिन अगर हम करते हैं तो कृपा बरसती है? चाहे हम बात कर लें, जिस तरह से बहुत सारे घर ऐसे होते हैं जहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं, तो ऐसे में गृह कलेश ना हो और धन की वर्षा भी हो, तो ऐसे में कैसे मनाएं गणेश जी को? देखिए, सबसे पहले अपने घर के बुजुर्गों का सम्मान करें। भगवान गणेश जी या कोई भी भगवान कहेगा, अपने घर के माता पिता का ही सम्मान नहीं है, अपने घर के गुरु का ही सम्मान नहीं है, अपने कुल पुरोहित का ही सम्मान नहीं कर रहे हो, अपने राष्ट्र का सम्मान नहीं कर रहे हो, अपने राष्ट्र की बहन बेटियों का सम्मान नहीं कर रहे हो, और दिखावे को केवल गणेश जी की स्थापना कर रहे हो, तो तत्सर्वम निष्फलम भवेत। मैं आचार्य हूँ, मैं प्रमाणिक बात बोलता हूँ, अप्रमाणिक बोलना मुझे पसंद नहीं है। तो ये सब करना बिल्कुल दिखावा है। कुछ लोग दिखावे को भी लाते हैं, देखो मैं क्षमा चाहूँगा चैनल से, क्योंकि राष्ट्रीय चैनल पूरी दुनिया देखती है, पर कुछ लोग वास्तव में यशोर्थे धर्म सेवनम, इसका भी प्रमाण बोल रहा हूँ,
तो इसके लिए भी लोग दिखावे के लिए भी भागवत कथा करते हैं, बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान करते हैं। तो दिखावा मत करिए, क्योंकि दिखावा समाज के लिए मेरे भाई बहन कर सकते हो, पर भगवान से दिखावा नहीं कर सकते। भगवान तो आपके अंदर की सब कुछ जानता है, इसलिए भगवान को वास्तविक सांस लाएं। सबसे पहले अपने घर की गऊ का सम्मान, अपने घर की अपनी माँ का सम्मान, अपनी दादी माँ, बुजुर्ग जो भी हैं उन सब का सम्मान मान करते हुए इसके बाद भगवान जी के पास जाकर केवल बैठ जाइए तो तुम्हारा कल्याण होगा। पूजा करना तो मेरे भाई बहुत दूर की बात है, पर सबका मान सम्मान करते हुए सबको लेकर के वसुधैव कुटुंबकम, ये सब जो ये वसुधा जो है ये हमारा सब एक कुटुंब है, कोई गैर नहीं है, कोई पराया नहीं है। सभी भूमि गोपाल की कैसन करें विरोध, ये सारा ब्रह्मांड, सारी सृष्टि, सारी दुनिया जब भगवान की है और हम भी भगवान के और आप भी भगवान के, तो विरोध आपसे कैसे करें, विरोध आपका क्यों करें, क्योंकि आपके अंदर भगवान है, मेरे अंदर भगवान है। तो इसलिए सबका मान सम्मान करें और फिर गणेश जी को विराजमान करें, शालिग्राम जी को विराजमान, जिसको भी आप मानते हो उसको करें, आपका कल्याण निश्चित है। बिल्कुल, यानी कि सच्चे मन से आराधना करनी चाहिए और सच्चे मन से अगर आप पूजा आराधना करते हैं तो गणेश भगवान इतने सरल हैं कि वो प्रसन्न भी हो जाते हैं, अपनी कृपा भी बरसाते हैं। बहुत धन्यवाद आचार्य जी आपका आने के लिए स्टूडियो में। धन्यवाद, जय श्री राधे श्याम। हमारे दर्शकों को जानकारी साझा करने के लिए, बताने के लिए कि आखिरकार इस गणेश चतुर्थी पर आपको क्या करना है, कौन से नियमों का पालन करना है और कौन सा वो अचूक मंत्र है जो आपको जरूर जप करना है, ताकि न केवल भगवान गणेश जी की बल्कि हर आपको बता दें रिद्धि सिद्धि की कृपा भी बरसे और पूरे परिवार की कृपा आपके परिवार पर बरसे। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए न्यूज़ स्टेट। नमस्कार, हर हर महादेव। अच्छा, ये आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म है तो क्लोजिंग एक बार फिर से कर लेंगे, गलत हो गया, एक क्लोजिंग एक बार फिर से कर लेते हैं, ठीक है? एक बार मुझे हर हर महादेव बोलना। क्या? हर हर महादेव बोलना लास्ट में। हाँ, हाँ। तो देखिए गणेश जी की आराधना कैसे करनी है, कैसे उनकी पूजा करनी है ताकि गणेश जी की कृपा आप पर बरसे, कैसे विधि विधान से करनी है और कौन सा वो मंत्र है, कौन सा वो भोग है ताकि आप ये उपाय करें और गणेश जी आपके घर पर आए, आप पर कृपा बरसे। बहुत धन्यवाद आचार्य जी आपका आने के लिए स्टूडियो में, दर्शकों को तमाम जानकारी देने के लिए। धन्यवाद, हर हर महादेव। जय गणेश देवा। इसी के साथ न्यूज नेशन स्तुति में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए आप। नमस्कार।